नए नियमों के चलते जिला पठानकोट में ड्रोन उड़ाने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। जिस संबंधी जानकारी देते हुए एसपी ऑपरेशन हेम पुष्प ने बताया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के एरिए में और आर्मी एरिए के 3 किलोमीटर के एरिए में ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर अब पठानकोट पुलिस पूरी तरह सख्त हो गई है। जो है DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत जो है इंटरनेशनल बॉर्डर से 25 किलोमीटर के एरिया के तक में कोई भी ड्रोन जो है एक्टिविटी अंडरटेक नहीं की जा सकती, चाहे वो छोटे से छोटा ड्रोन हो, कुछ भी हो, वो 25 किलोमीटर में पूरी तरह से बैन है। और इसी के साथ ही जैसे मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो गया, एयरफोर्स इंस्टॉलेशन हो गया, डिफेंस इंस्टॉलेशन हो गया, उसके पैरीमीटर से भी 3 किलोमीटर के एरिया के बीच में कोई भी ड्रोन, किसी भी किस्म की ड्रोन एक्टिविटी अंडरटेक नहीं की जा सकती। इसी तरीके से MHA की जो वाइटल इंस्टॉलेशन हैं, उससे 2 किलोमीटर के एरिया के, उनके पैरामीटर से 2 किलोमीटर के एरिया में भी कोई भी ड्रोन एक्टिविटी जो है अंडरटेक नहीं की जा सकती। ये जो गाइडलाइंस है DGCA की तरफ से जारी की जा चुकी हैं, और इसको हम जो है इन्फोर्स करा रहे हैं, और इसके लिए हमने प्रेस में भी प्रेस नोट जारी किए हैं। और जो ड्रोन ऑपरेटर्स हैं, जैसे मैरिज पैलेस वाले हो गए, फोटोग्राफी वाले, उनको हमने क्लियर जो है मीटिंग बुला के उनको डायरेक्शंस दे दी हैं कि ये गाइडलाइंस हैं, और इन केस कोई वायलेशन करता है इसकी, देन दे आर पनिशेबल अंडर दी IPC इसी के अंडर इसको जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, जो कि इन केस ऑफ वायलेशन जो पनिशेबल है। सर कितनी सज़ा हो सकती है इसके बारे में? देखिए, जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें उसी हिसाब से जो सजा होगी, वेरियस सेक्शन डिपेंडिंग ऑन दी ऑफेंस। विक्टोरिया स्टेट पठानकोट में खुल गया है डिस्काउंट वेयर हाउस शोरूम, जहां पर आपको मिलेंगे ब्रांड शूज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम एंड किचन अप्लायंसेस, वो भी 50% डिस्काउंट पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम टू डिस्काउंट वेयर हाउस, बेस्ट प्राइस एनीवेयर। डिफेंस रोड, विक्टोरिया स्टेट, पठानकोट।